खबरों के जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कमलनाथ सरकार के कुछ मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना है राजेश शुक्ला उर्फ बबलू भैया बिजावर जिला छतरपुर, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों से परेशान हैं और उनकी इस परेशानी की वजह है मंत्रियों का काम पर ध्यान ना देना। इन्होंने बताया कि कमलनाथ जी इतनी उम्र में भी लगातार परिश्रम करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और उनके कुछ मंत्री और अधिकारी ऐसे हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद यह कमलनाथ सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देंगे और आगे भी उनके साथ ही रहेंगे। जब उनसे उन मंत्रियों के नाम पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि समय आने पर उन मंत्रियों के नाम भी बता दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम उन मंत्रियों के नाम कमलनाथ जी को बताने जा रहे हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं इन्हीं मंत्रियों के कारण जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। सरकार से नाराजगी है, कुछ मंत्रियों से जरूर पीड़ा है कि ना तो वो टाइम देते हैं ना कोई काम कर रहे हैं, और इन 7-8 महीनों में जब कोई काम नहीं कर पाएंगे तो जनता ने जो आशा विश्वास के साथ भेजा है उनके बीच में हम जाके क्या बताएं। कुछ मंत्री हैं जाते हैं एक एक घंटे का बाहर बैठे बिल्डिंग का समय नहीं, अधिकारी छतरपुर जिले में हमारे यहाँ कलेक्टर ही फोन उठाना नहीं। अब आप सोचो 8 महीने 7 महीने में एक विधायक की एक मुलाकात, एक बार दो बार फोन पर बात, कोई काम नहीं करते। जिला सरकार को पावर दी इस सरकार ने, जिला सरकार में एक भी स्थान पर या कोई भी काम कलेक्टर ने नहीं किया। छतरपुर जिले के 5 विधायक लिख के दे चुके कि कलेक्टर को बदल के किसी अच्छे कलेक्टर को बदल तो, लेकिन आज भी वही कलेक्टर। अब जब हम लोग उसका विरोध कर चुके उसके सामने हैं तो वो और फोन नहीं उठाते, करते रहो विरोध, जब उसका हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे। तो और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी बार बार नाम आ रहे हैं और उसके लिए अभी डिसीजन नहीं ले पा रही है सरकार का। प्रदेश अध्यक्ष का मसला कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, हम समाजवादी पार्टी से हैं तो उनका पारिवारिक मसला है, उनको किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। बाकी आप लोगों के माध्यम से पढ़ते सुनते रहते हैं, वही सरकार की दशा है वही कांग्रेस की दशा है। ऐसे में क्या करेंगे आप कांग्रेस के साथ? नहीं, हम कांग्रेस के साथ हैं, कमलनाथ जी के साथ हैं और निश्चित तौर पर उनके साथ रहेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी इतनी उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत को देख के मंत्रियों को भी अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए कि कम से कम उनका असहयोग ना करके सहयोग तो करें कि आज उनका नाम जमीन स्तर पर जाए कि कमलनाथ जी की योजना है और जमीन पर आई। आज 7-8 महीने में कोई योजना ही नहीं, जमीन पर नहीं जा रही। तो आपका मानना यह है कि कमलनाथ सरकार कमलनाथ जी से नहीं उनके मंत्रियों से आप निश्चित तौर पे और वह काम नहीं कर? बिल्कुल, कमलनाथ जी और 2-4 मंत्री बहुत अच्छे से सरकार में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं कि जो अपने दुकान चला रहे हैं। केवल क्या कहना, क्या करेंगे आगे, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? क्या चूंकि हम बोलने की स्थिति में तो नहीं है, जितनी मेरी उम्र है उतना अनुभव है कमलनाथ जी के पास, लेकिन छोटे के नाते निवेदन करेंगे उनसे कि जमीन पर जो स्थिति है वो आप इन मंत्रियों की आदतों में सुधार करवाइए और इनको आदेश निर्देश दीजिए कि विधायकों का सम्मान करें और विधायकों के काम करें, जिससे विधायक क्षेत्र में कम से कम सकल तो दिखाने लायक रहे। ऐसे कौन से मंत्री जो दुकान चला रहे हैं, नाम बताएं? बहुत मंत्री, अब नाम बताने से क्या सार है, एक आध बार तो पता चलना चाहिए। अब पहली बार कमलनाथ जी के सामने सब दिखा दें, उसके बाद नहीं होगा तो आप लोगों के सामने नाम भी पेश कर देंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं। हम तो कोई हमें एहसान थोड़ी, हम तो समर्थन कर रहे हैं सरकार का। अब समर्थन करना यदि हमारी गलती है तो फिर गलत सही कि समर्थन भी दे रहे हैं और कष्ट भी झेल रहे हैं तो सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके का सम्मान चाहते हैं आप? नहीं, काम चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में काम हो, विकास के काम हो, जो अधिकारी नहीं सुने वो जिले से बाहर हो, और जब तक अधिकारी अच्छे नहीं होंगे और काम नहीं होंगे तो हम लोग क्या करें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।